नमस्ते, स्वागत है आपका योगिस्तान ब्लॉग्स में। आज है फ्राइडे, काफ़ी सारी चीज़ें इस वीकेंड में होने वाली है। मंडे को पेरेंट्स आएंगे और आज मुझे जो मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाया होगा, कपड़े धो के सूख के सारे रख गए, मैं थोड़े से आयन करूंगी। और मम्मी पापा का जो रूम है उसमें थोड़ा बेडशीट चेंज करना है। योगिस्तान ब्लॉग्स का जो ब्लॉग है वो एडिट करना है। योगा स्टेशन की जो वीडियो जानी है वो एडिट करनी है। एक एक काम करते हैं और देखते हैं कितना हो पाता है। रूम है जो गेस्ट रूम कहलाता है। बेसिकली इस रूम में अभी तो कोई आके रहा नहीं है। यहाँ पे पूरा शीशा है, ये ड्रेसिंग का दे रखा है तो ये मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे पूरा क्लॉजेट है तो जितनी भी लिनेंस वगैरह होंगे वो यहाँ रखने हैं। और ये कवर इसका ये सब धोना है मुझे। और बेडशीट भी चेंज करनी है। इस तरफ बेड है, ये छोटा सा साइड टेबल है और यहाँ पे ये खिड़की है। यहाँ पे ये आयन के करने के लिए बच्चे के, और ये यहाँ पे मैंने कपड़े रखे हुए हैं तो वो कर लेती हूँ। तो अभी मैंने क्या किया है, जो कपड़े हैं वो सेग्रीगेट कर लिए, अलग अलग कर लिए। ये वाले जो इधर कपड़े हैं ये सारे के सारे आयन होने, और इधर वाले जो कपड़े हैं ये सिर्फ फोल्ड होंगे। अरे नीलू, कितने छोटे छोटे कपड़े जो आयरन कर रही हो। और मुझे लगा छोटे हैं तो जल्दी हो जाएंगे। हाँ तो जल्दी हो जाना चाहिए। नहीं 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 जो छोटी टी शर्ट है फिर उसकी स्लीव्स निकाल के तो करना पड़ रहा है। अपना तो बड़ा सा कपड़ा होता है ना, तो ये सारे करके रखे हैं अभी मैंने। इतने सारे हो भी गए? हाँ हो गए। जो कर पा रही हो ठीक है, बाकी मैं कर लूंगा। ठीक है ओके। वैसे पता है क्या, ये इतने छोटे छोटे कपड़ों को ऐसे प्रेस करना ना थोड़ा थेरेप्यूटिक है, अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा कोई काम नहीं लग रहा है कि पता नहीं कितना आयन का काम। वैसे आयन करना मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन घर में मैं ही करती हूँ और अप्पू तो कभी नहीं करते हैं प्रेस। अरे हाँ ठीक है, तो अभी सबको क्यों बता रही हूँ। अरे तो फिर बताना तो पड़ेगा, जैसे ऑफर किया ना बच्चे के करने के लिए, और बच्चे के कर भी दोगे। अच्छा अगर आपको पता नहीं होगा तो गेस्ट रूम में मैं काम करता था, शांति रहती थी। अब मुझे उधर से निकाल दिया गया, अब मैं इसी वर्क स्टेशन पे काम करूंगा। ये मेरे पापा, मम्मी, मैं और नीलू। तो अब मैं जाता हूँ, कॉफी बनाता हूँ और फिर ऊपर अपने कॉल्स वॉल्स निपटाता हूँ। कॉफी बीन्स ग्राइंड कर ले। Cheers. तो कपड़े सारे आयन हो गए हैं। ये सॉक्स छोटे हैं तो इसलिए मैं इनको ऐसे गोल करके साथ में फोल्ड कर करके रख रही हूँ। मिल गई तुझे तेरी गाजर? हाँ खा लो खा लो। भाई इसको जितना गाजर से प्यार है उतना प्यार तो मुझे गाजर हलवे से भी नहीं है। कपड़े प्रेस करने के बाद मैं थोड़ी देर आराम करने चली गई थी, और अभी मेरा मन कर रहा है झाल मुड़ी खाने का, जिसको भेलपुरी भी बोलते हैं। बेसिकली पफ्ड राइस से बनता है। तो जब भी मैं सिलीगुड़ी में होती हूँ तो वहाँ की झाल मुड़ी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। तो पता नहीं मन कर रहा था खाने का, तो सोची हूँ वो बनाती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो मैंने शुरू कर दिया। मैं एक छोटी सी टिप दे रही हूँ आपको, आप कभी भी पफ्ड राइस का कुछ भी बनाते हैं तो हल्का सा टोस्ट कर लें। जैसे मैंने कढ़ाई में इसको यहाँ पे कर लिया थोड़ा सा टोस्ट, सारी डाल दूंगी। थोड़ा सा काला नमक भी डालना चाहिए, उससे स्वाद और ज्यादा आता है। ये हो गया सफेद नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, इसके बाद ये सरसों का तेल थोड़ा सा ही डालेंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक हल्का सा इसका स्वाद आ जाता है इसमें। मैं इससे कम बना रही थी तो अपू ने बोला अरे ये तो कम है, मैं खाऊंगा। तो ये देखो पूरा एक कटोरा बन के भर के आज हमारे यहाँ झाल मुड़ी बन रही है पूरे मोहल्ले के लिए। और अब ये गया नींबू सबसे लास्ट में। पूरा 2.5 साल हो गया मुझे ऑलमोस्ट मलेशिया में लगातार कुकिंग करते हुए, तो थोड़ा नमक और मिर्च का तो आइडिया हो ही गया। बहुत अच्छी कुक नहीं हूँ पर मुझे कुक करना अच्छा लगता नहीं, है। नहीं बहुत अच्छी कुक हो ये, मतलब ब्लॉग के लिए बोल रहे हो? नहीं नहीं सच में। ठीक है अब हम बैठ के इसको खाएंगे। तो हम दोनों हॉल में ही आ गए। मैं एक बाइट बनाती हूँ अप्पू के लिए। थोड़ा आलू चाहिए अप्पू? यस। हरी मिर्च हटा दूँ? यस। ये गए सबसे पहली बाइट अप्पू के लिए, परफेक्ट। और ये वाली बाइट आप सब लोगों के लिए। तो मैं अभी थोड़ी सी एडिटिंग कर रही थी और मैंने देखा कि हमारे योगिस्तान ब्लॉग्स पे हो गए हैं 1000 सब्सक्राइबर्स।
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। योगा स्टेशन में जब पहले 1000 हुए थे मुझे याद है मैं कितनी ज़्यादा खुश थी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों में बिलीव करने के लिए, हमारे कंटेंट को लाइक करने के लिए। ये चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं, और अप्पू को मैं बताऊंगी तो वो बहुत खुश होंगे क्योंकि इस चैनल का वो पार्ट है, तो पर्सनली मुझे लगता है कि उनकी खुशी और ज़्यादा होगी मुझसे, तो उनको मिलवाती हूँ, देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। क्या कर रहे हो तुम दोनों? किताब पढ़ रहा हूँ, पर बस सोऊंगा, कल सुबह सो जल्दी जाना है डॉक्टर के पास भी जाना है। अच्छा हो गया? बस कुछ नहीं, वो कर रही थी पर हो गया जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। 1000 हो गया? 1001 हो गया यार। कांग्रेचुलेशन, असली स्टार तो ये है मेरा बच्चा। कांग्रेच आपके लिए, आपने इतने सारे व्यूज दिलाए, आप क्यूट हो तो लोग आपको देखते हैं, अप्पू क्यूट है तो उनको देखते हैं। नहीं नहीं, स्टार तो तुम ही हो। तो आप 1000 लोगों के लिए हम अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आएंगे, कोशिश करेंगे कि फैमिली और बड़ी हो जाए हमारी, पेरेंट्स भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, अच्छा अच्छा लग रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हम निकल रहे हैं डॉक्टर के पास, बस रेडी हैं, थोड़ा सा लेट हो गए हैं इसलिए जल्दी जल्दी निकलेंगे, और जब पहुंचेंगे जो भी अपडेट होगा वो आपको देंगे। ये इतने सारे लोग यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, ताइची बोलते हैं इसको। यहाँ सड़कें अच्छी बनी है, टोल्स भी अच्छे बने हैं। महंगे है ना यहाँ पे? हाँ। अरे आज आधे दाम का है, 50% डिस्काउंट। टाइम पर हॉस्पिटल पहुँच गए हैं, और ये देखिए अप्पू रजिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। हमें डॉक्टर ने बोला है पहले लेबर रूम में जाके बच्चे का हार्ट बीट वगैरह चेक करें। तो मैं आ गई हूँ लेबर रूम में। आज डॉक्टर को दो चीज़ें मॉनिटर करनी है, एक होता है बेबी की हार्ट बीट, तो ये जो टेस्ट है वो 30 मिनट्स के लिए होगा। साथ में वो ये भी देखेंगे कि इन 30 मिनट में मुझे कोई कॉन्ट्रेक्शंस हो रही हैं या नहीं हो रही है, तो उसके लिए मेरे स्टमक पे उन्होंने डिवाइस लगाई हुई है, और ये जो पीछे स्क्रीन है इसमें दोनों चीज़ें मॉनिटर कर रहे हैं। अपॉइंटमेंट ख़त्म हो गई है और हम आ गए हैं अप्पू के किसी रेस्टोरेंट में जो मैंने ढूंढा है। रेस्टोरेंट का नाम है VCR। अप्पू ने बोला बहुत अच्छा है तो ट्राई करते हैं। भीड़ देख के तो लग रहा है शायद। हाँ, अच्छा। बहुत ज़्यादा लाइन है तो 15 मिनट वेट करना पड़ेगा। हाउ वाज योर ब्रेकफास्ट नीलू? इट वाज गुड, पर वो सार्डो को काटते काटते ना उंगलियों में दर्द हो रहा है। अरे उनको या तो चाकू अच्छा देना चाहिए या ब्रेड सॉफ्ट रखना चाहिए। मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले तो ये जो बेडशीट है वो हमारे पास, वैसे ये वाला ऑप्शन है, ये वाला कर लेते हैं। ये हम नई लेके आए थे आई कैसे, तो इनको एक बार धोएंगे। मैं सोच रही हूँ कि डूबे भी धो लेते हैं एक बार, है ना? ठीक है, तो एक काम करते हैं, जो जो धोने के है ना वो एक बार इधर यहाँ निकाल देते हैं, और ये दो टॉवल्स धो के रखे हुए हैं, और ये सारी ड्रॉर्स खाली कर दी। अरे ये मेरे ऑफिस का है, रुक जा। हाँ, इसको हटा लो। बाकी खाली है? देख लेते हैं, वैसे मैंने खाली कर दिए तो ये खाली हो गए। ठीक है, तो नीलू एक्साइटेड हो डॉक्टर की न्यूज़ सुन के? हाँ, काफी एक्साइटेड हूँ। तो डॉक्टर ने जो नया अपडेट दिया है, जो मेरी ड्यू डेट थी उससे 2 हफ्ते पहले बताई है, ये नई न्यूज है। उसके अलावा उन्होंने रूटीन टेस्ट किए, मेरा चेकअप वगैरह किया, वो सब ठीक था। तो बस अब ये चीज हो रही है, और पापा मम्मी भी आ रहे हैं तो बहुत सही टाइम पे आ रहे हैं। एक्चुअली हम लोग पापा मम्मी के आने की वजह से बहुत बहुत परेशान रहे हैं। हमने लॉन्ग टर्म वीजा अप्लाई किया, ये पास वो पास, पर इस टाइम पे कोविड के समय मलेशिया और जो पॉलिसीज है वो काफी स्ट्रिक्ट है, तो फाइनली अब वो लोग टूरिस्ट वीजा पे आ रहे हैं। 30 दिन ही रहेंगे, बट हम खुश हैं कि एटलीस्ट वो हमारे इस समय में हमारे साथ है, जो काफी अच्छी चीज है, क्योंकि हर किसी को फैमिली का सपोर्ट चाहिए होता है। तो और जो मेरे पेरेंट्स हैं बरेली में रहते हैं, वो लोग भी जल्द आएंगे, तो उसके भी हम आपको अपडेट्स देंगे। फिलहाल तो अभी मम्मी पापा का रूम रेडी कर लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। सडनली अभी 2 लोग रहते हैं घर में, कुछ ही टाइम पे 8-9 लोग हो जाएंगे। क्योंकि मेरे मम्मी पापा आएंगे और मेरे 2 भाई आएंगे, बहन नहीं आ पाएगी अभी, उसको फिर जब मैं इंडिया जाऊंगी तब मिलूंगी। तो अभी तो ये चीजें चल रही हैं, अच्छा लग रहा है। और एक्चुअली आपको मैं ये भी बता दूं कि मैं अपनी फैमिली से 2.5 साल बाद मिलूंगी। मुझे 2.5 साल एग्जैक्टली यहाँ पे मलेशिया में हो रहा है, कोरोना हो गया, पेंडेमिक की वजह से सारी फ्लाइट्स बंद थी, इंडिया हम नहीं जा पाए, वो नहीं आ पाए, तो हमारे लिए तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। और आपको भी पता होगा जब फैमिली से थोड़े ही दिन में मिलते हैं तो इतना अच्छा लगता है, तो 2.5 साल तो मतलब बहुत बड़ी बात होती है।
तो ये इतनी लॉन्ड्री निकली है, अप्पू इसको डाल के सेट करेंगे। यहाँ तक मेरा काम होता है, इसके बाद अप्पू का काम होता है लॉन्ड्री में डालना सुखाना। हमने ये कपड़े तो यहाँ लगा दिए हैं, ये अलमारी जो है इसमें मुझे हेल्प चाहिए दो तीन चीजें हटाने के लिए। ठीक है, तो तुम एक काम करो, तुम ये पकड़ लो, मैं इन चीजों को हटाता हूँ। स्टार्ट करें पहले डंबल्स से। डंबल्स, हाँ डंबल्स अभी थोड़े टाइम तो काम नहीं आएंगे। डम है तुम, मैं ये आसान नहीं है, काफी भारी है। तो ये याद है हॉस्पिटल बैग में रखे थे पर धुले नहीं थे, मैंने वॉश कर दिए, प्रेस कर दिए और ये सारा सेट गया इसके अंदर। तो ये सारे सॉडल्स हैं, ये जाएंगे नीचे। ओके ठीक है, और ये सारे न्यूबॉर्न हैं, ये सारे न्यूबॉर्न हैं, यहाँ रख देते हैं, यहाँ ये हो गए। ये सारी सॉक्स और मिटन्स कैसे रखे जाते हैं? वही ड्रॉअर में रख दो। ठीक है, एक बॉक्स होता तो, हाँ एक बॉक्स है, मैं देख लूंगी मिल जाएगा। तो इतने ज्यादा तो नहीं है। नहीं, तो काफी प्रोडक्टिव दिन था हमारे। पापा मम्मी का जो कमरा है वो काफी हद तक सेट हो गया है, बस कपड़े धुलने हैं। बच्चे की अलमारी सेट हो गई है और साथ में ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन हिट हो गया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सपोर्ट के लिए। तो इतने सारे लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मंडे को सुबह पेरेंट्स आएंगे तो सुबह सुबह अप्पू वहाँ के लिए निकलेंगे। आज का अपॉइंटमेंट बहुत ज़रूरी था, वो हो गया, थोड़ी सी डेट पहले हो गई है, प्रीपोन हो गई है, तो हम बेबी को और जल्दी मिल पाएंगे। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे थकान है क्योंकि मुझे अब नींद आने लगी है। तो होता क्या है, अब शाम को बहुत जल्दी नींद आती है, फटाफट जैसे ही बेड दिखता है बस सो जाओ। तो बस यहाँ पे खत्म करते हैं आज का व्लॉग और दोबारा आपको नए व्लॉग में मिलते हैं नए कुछ कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और प्लीज हमारे चैनल योगिस्तान व्लॉग्स को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। तो ये तैयार है मम्मी पापा का रूम, डस्टिंग हो गई है, सारी चीजें साफ करके अच्छे से लगा दी है, अब बस उनके आने का इंतजार है।